तो हम पहुंच गए हैं बिग डैडी ड्यून्स है वहां पर। छोटा सा घपला हो गया, गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेगी। DRL ड्रोन की खोज में हम अनऑथराइज एरिया में घुस चुके हैं। 15 मिनट। तो बेसिकली यहाँ पे वॉशरूम में प्राइवेसी नहीं है तो टर्न लेते हैं। तो गगन गया था बाहर वहाँ पे पीछे कुछ करने, तब तक मैं वॉशरूम गया हूँ और रेडी हो गया हूँ। और अभी गगन ने मुझे भेजा, बोलते गाड़ी तुम साफ कर लो अंदर से, तब तक मैं नहा धो लेता हूँ। तो अभी मैं जाके रिसेप्शन पे बैठने वाला हूँ क्योंकि वहीं पे तो इंटरनेट चलता है। साला इतनी ठंड में आया हूँ मैं यहाँ पर विद द होप इंटरनेट चले, नहीं चल रहा। बोलते रिसेप्शन पे नहीं चल रहा गाड़ी, वहाँ पे पार्किंग चिंटू सी लग रही, रिसेप्शन पे नहीं चल रहा। बोल रहे हैं शायद बंद होगा, आप एक काम करो आप बाहर जाके ट्राई करो। और ये इनका बार है नेम से एक बार। इतनी ठंड में डेजर्ट के बीच में ये लोग ने स्विमिंग पूल भी बना दिया, बताओ क्या ही मतलब पागलपन है। क्योंकि जो अंग्रेज आएंगे ना उनको तो पूल चाहिए भाई, उन पूल के बिना कैसे करेंगे। और ये पूल नहीं नेमसेक पूल है, ये क्या है ये तो मुंबई में गटर होती है साइज की। मैं वही सोच रहा हूँ ठंड क्यों लग रही है, 7 डिग्री है, 7 freaking degrees यार डेजर्ट की। ये बड़ी बकचोदी, मैं समझ नहीं आता दुबई में ये डेजर्ट वाला फंडा क्यों नहीं चलता। दुबई में जब गर्मी होती तो रात दिन भर हर जगह हर टाइम गर्मी होती है। वो जा रही फॉर्चूनर। ये देखो ऐसी टेबल चाहिए थी अपने को, पूरा ना ये ढांचा बना हुआ है लोहे का, उसके बाद बीच में लकड़ी लगाई है यहां पे। सर आपने बोला ऐसी कोई टेबल बनानी थी, हाँ अब मैं कोई भी एंगल से मुझे टेबल नहीं लग रही, शायद मुझे मतलब चश्मे पहनने की जरूरत पड़ रही है अभी। जॉनी भैया गाड़ी साफ करें, वेरी नाइस। पीछे से अच्छे से हाथ मारना ठीक है, वो दिखना चाहिए ZA स्टिकर। कितने पैसे पे किए मैंने, 180 रुपए। कोशिश तो है भाई की, सोचने की ऑप्टिमिज्म है कि गाड़ी शायद साफ हो जाए। का साफ किया, आप बैठ गए आगे। या राइट, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं पैदल गया था पता है, गाड़ी लेके भी नहीं गया मैं उधर रिसेप्शन। अच्छे से मुझे ब्लेम कर दो, नहीं मैं पहले साफ कर चुका था। और मैं सच में पैदल गया हूँ रिसेप्शन, इधर सामने तो है। हाँ वो अलग बात है, गाड़ी खुद ही पलटी मार दी। जब आप कंटिन्यूसली 160 की स्पीड चलाते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी आती है 8.2 किलोमीटर पर लीटर। इस ट्रिप पे आई थिंक फ्यूल में तो काफी खर्चा होने वाला है, बिकॉज माइलेज ही नहीं आ रही। मतलब हमारी गलती ऑब्वियसली, हम इतनी तेज चला रहे, बट नॉर्मली गाड़ी डबल डिजिट ही देती है। चलो अभी यहाँ पे हम शॉट ले रहे हैं धुआं उड़ाने वाला, तो देखो अच्छा खासा उड़ाएंगे पीछे धुआं, क्योंकि गगन वहां से ले रहा है लॉन्ग शॉट। डीजल फुल टैंक, ड्यून्स के लिए रेडी हो रहे हैं वापस। 40 लीटर 4,500 का फ्यूल गया है, 150 रुपए का सैंडविच, इतनी हार्ड ब्रेड, ऐसा लग रहा है यहाँ पे डेंटिस्ट वेंटिस्ट होगा जरूर। इनकी कुछ तो मतलब वो है कि खाओ और डेंटिस्ट के पास जाओ ताकि हम और पैसा कमाएं। बाय द वे जो होटल में हम रह रहे थे ना उनका ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे, पूरा उनका ही इलाका है, सब कुछ उनका ही चलता है बताओ। ये देखो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, प्रोफेशनल से कराना ही सही होता है। गगन इज अनप्रोफेशनल ब्रो, वाइपर ऑन करके आया हुआ है। ये कौन सी गाड़ी है यार, मस्त लग रही है, दो दो स्पेयर व्हील्स के साथ। यहाँ की एंट्री लगभग 350 इसकी करेंसी के है, मतलब 2,000-3,000 रुपए ले ही रहे हैं, लेकिन इनकी मशीन नहीं चल रही क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो गगन ने अभी कैश लेके गया है और कोई साउथ अफ्रीकन से बात करे, कितना है, कितनी, कितना, 400 रैंड ले ली है। 400 रैंड मतलब कितना होता है, 2,000 के आसपास। चलो कुछ लिखा ही नहीं उसने, वो क्या बोल रहा है बाजू वाला साउथ अफ्रीकन, वो बोल रहा है महिंद्रा। वो ना साउथ अफ्रीका से आया बंदा, उसकी कंप्लेन करेंगे, उसकी गाड़ी पे पीछे स्टिकर नहीं लगा। ओह माय गॉड, उसका स्टिकर कोई हमारे जैसा उतार के ले गया अपनी गाड़ी में लगा दिया। मैग्नेटिक स्टिकर नहीं है ये, प्रॉपर स्टिकर है ब्रो, इट्स नॉट लाइक कॉम्बो लाइफ। वर्टस का नाम पोलो सेडान है यहाँ पे। क्रेजी 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 टायर्स, पीछे से ऐसी लगती है, आगे से ऐसी लगती है, क्या अप्रोच एंगल है, वाह। ये
एक चीज नोटिस कर रहे हो, लोग एक्चुअली ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, डिफेंडर डिफेंडर वगैरह, आई थिंक जिमनी विमनी भी पता नहीं, बट लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं टू सी बेटर व्यू ऑब्वियसली। 45 ड्यून 45 या कुछ इसका नाम है, पागलपन है ये। तो हम पहुंच गए हैं, बिग डैडी ड्यून्स है वहाँ पर, और डेड विली 900 साल पुराना क्लाइमेट ड्राइव होने की वजह से बना है। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, ऑनेस्टली सब टोयोटा, सबकी सब टोयोटा। ये जो अजीब सी गाड़ी है ना, जो पोप मोबाइल टाइप लग रही है, वो भी टोयोटा, वो लैंड क्रूजर है भाई। इसमें आयरन मैन का सस्पेंशन है, स्नॉर्कल है, क्या क्या है, सभी जापानीज गाड़ी दिख रही है, क्योंकि इसमें पजारो, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ टोयोटा है। फोर्ड वोड भी दो चार और एक ही महिंद्रा है यहाँ पे, हमारी वाली। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम भी मिलती है और आपको फोटो भी लेके देंगे ये लोग। जाना उधर है हमें, इधर फटी पड़ी है, ट्रैक्शन नहीं है, सांस फूल रही है, और इफ यू नोटिस वन थिंग, कोई और नहीं आ रहा ऊपर, सब नीचे ही जा रहे हैं। वी आर द लास्ट टू कम। गगन ने डिसाइड किया ऊपर चढ़ेगा, उसकी फटी पड़ी है। चलो फाइनली पहुंच गए, और गगन एडवेंचर करने के लिए ये बिग डैडी ड्यून आई थिंक इसके ऊपर एक ग्राउंड मार के आ रहा है, हालत खराब होगी उसकी। ये देख लो हम, ये जगह है, बहुत प्यारी लग रही है। तो बेसिकली हुआ ये कि ऑलमोस्ट 900 साल पुरानी बात है, जब यहाँ पे क्लाइमेट ड्राइव हो गया और ये ड्यून ने ना पूरा रिवर कट कर दिया इस एरिया, इसके एरिया का नाम आई थिंक डेड विली, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना इतना ज्यादा ड्राई हो गया था कि ये ना डिकम्पोज भी नहीं हो पाए पेड़, ये पूरे मतलब जल ही गए, और वो ऐसे ये जंगल बन गया। ये अब हजार साल पुरानी पेड़ है, देख लो, मतलब मस्त लग रहा है। यहाँ पे कौन सा गाना शूट होता पता है, गुजारिश, गजनी का जो गुजारिश है ना, तू मेरी अधूरी, यहाँ पे ही शूट हुआ था। अब सोचो आमिर खान वगैरह को तो यहीं पे एयर ड्रॉप किया होगा हेलीकॉप्टर से, और हम मेहनत से चल के आ रहे हैं। Meanwhile, मजा आया आपको ये करके, क्या अचीव किया आपने बताओ? दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या अचीव किया मैंने, बताओ। कुछ लग गई क्या चोट वोट? नहीं नहीं। तो ये जूते एकदम साफ है? हाँ। ये तो एक जूते में, अभी सॉक्स में अलग है, दूसरे जूते में अलग है। और करो हीरोपंती, मजा आया बहुत। वापस जाओ, चलो अच्छे से शॉट निकालो। अभी नहीं जाएगा। आपको लाइक्स चाहिए इसके फोटो पे, कवरे निकालो, अपनी चड्डी में बैठ जाओ पेड़ के सामने, बता रहा हूँ गारंटी लाइक्स होगी। इंसर्ट गगन पूल चड्डी शॉर्ट हेयर एडिटर। नेक्स्ट टाइम मैं ना एक्स लेकर आऊंगा, सब पेड़ काट दूंगा, फाइन भी दे दूंगा, क्या ज्यादा फाइन तो होगा नहीं वैसे भी। साथ साथ नूरेन को बोलते हो ना कि मैंने डूब क्यों नहीं जाता, साथ नूरेन यही बोलते हो कि इतनी दूर गए हो, भगवान करे सारे पेड़ गायब हो जाए। नहीं, नूरेन बोलते हो कि ये पेड़ जल क्यों नहीं जाते, जबकि ये साले जल गए हैं, जल के भी खड़े हुए हैं। मैं एक्स लेकर आके सब निकाल दूंगा, ताकि हमारे तरह बाकी टूरिस्ट को ये सब के थ्रू ना जाना पड़े। आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, चार पांच दिन से लगातार, कौन सा ये इतने काले क्यों है, ये पेड़ के बारे में बताओ। इतने रेसिस्ट इंसान हो आप, हजार साल पुराने पेड़ है, गिर जाओ यार, हो गया ना, अभी तो रिटायरमेंट ले लो यार प्लीज। टेक योर कैमरा, और सुनो मैं यहाँ से जाऊंगा, आप उधर से आओ, जिस रूट से आए उसी से रिटर्न करना है, आप चीट नहीं कर सकते। नो 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 नो, छोटा सा घपला हो गया, गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेगी, DRL अब चालू होगी कि नहीं वो हमें नहीं पता। जूतों की तो बैंड बज गई, देखो कितना ज्यादा निकलेगा इसमें से माल। प्रॉब्लम ये ना, सॉक्स में भी घुस गया ये। इस ट्रैक्टर में आते हैं सब लोग बैठ, क्या बम्पी राइड होगी। इनका डेडिकेशन देखो, उतर गया, बोलता है कि थोड़ी शॉर्ट्स लेंगे यहाँ पे, तुम जाके चलाओ, अगर गाड़ी यहाँ पे रोक देना तो फंसने तो वाली है, जबकि हम फोर लो में है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही मतलब सैंड है, काफी डीप है ये, देखो मैंने खुद ही पाथ बना के रखा हुआ है, तो ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम रोक ही सकते हैं।
गगन ड्रोन इतना आगे ले गया और अभी वापस लाने में बहुत मुश्किल हो रही है उसे, बिकॉज बैटरी नहीं है, 4% बैटरी, गाड़ी कहीं दिख ही नहीं रही है। फॉल आउट ऑफ स्काई, ये बताया मुझे। फॉल आउट ऑफ स्काई, बट सॉफ्ट लैंड होगा ना वहाँ पे, तो डेजर्ट है, ड्यून्स है, सॉफ्ट लैंड नहीं होगा। सॉफ्ट लैंड नहीं होगा। आप ऐसी हरकत ही क्यों करते हो, इतना आगे लेके जाते हो फिर भूल जाते हो लो बैटरी वगैरह। अभी 4% बैटरी है। अरे इस गजनी वाले पेड़ को क्रॉस कर दो आप बस। ओ शिट, ठीक है, दिस स्पीड इज आवर मार्कर, ठीक है। हाँ ये भी बज रहा है, गाड़ी भी बज रही है। गगन पहुंच तो जाएगा, आई थिंक पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा। ड्रोन तो नहीं पहुंचेगा, हमें जाना पड़ेगा, बट कितने दूर जाना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। 1000 meters, 1000 meters, 1 kilometer दूर है ये। हाँ। क्या बात कर रहे हो, 2 kilometer चल के जाओगे आप? पैदल नहीं, गाड़ी जाएगी। घंटा, आई डोंट हैव फ्यूल टू स्पेयर ब्रो, 2% बैटरी। एक गाड़ी आ रही दिख रही है। एक लकड़ी वाला पेड़ कौन सा है सामने ना, जिसमें लकड़ी साइड में 800 meters, इट विल फॉल आउट ऑफ स्काई, 15 seconds में गिरेगा, इट विल लैंड। इस लकड़ी को क्रॉस कर दो। किधर है? Where is that point? I don't know. तीन लकड़ी पड़ी एक साथ. We have to go to that place. 750 meters. आगे खींचो ना. नहीं आएगा, नहीं आएगा. चलो बाय. ओके, ड्रोन की खोज में हम अनऑथराइज एरिया में घुस चुके हैं. वो मिल गया ड्रोन फाइनली. मैं वो लाता हूँ, आप गाड़ी चलाओ. सो हेयर वी आर, ड्रोन लैंडेड राइट हेयर. गगन और उसकी हरकतें, आई टेल यू। खुश हो गया देख के वो, महिंद्रा इन साउथ अफ्रीका इन नामीबिया। महिंद्रा की डीलरशिप यहाँ पर है, क्या बात कर रही हूँ, चालू नहीं हुई अभी, साउथ अफ्रीका से लाते होंगे। अभी हवा बनानी पड़ रही वापस, क्योंकि डिफ्लेट जो किए थे। क्या बोल रहे गगन, उसको पूछ मत लेना कहाँ से लाया, बोलेगा प्लीज टेक इट बैक। ये देखो टाटा का ट्रक, हाँ टायर गया उस बेचारे का। पेट्रोल पंप का एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है, आपको थोड़ा खाना वाना मिल जाएगा, फ्यूल मिल जाएगा, टायर वैसे वगैरह चेक करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए टॉयलेट, क्योंकि मैं गगन की तरह ऐसे खोले बोलने में ना, आई डोंट वाटर द प्लांट्स, तो मुझे टॉयलेट बहुत क्रूशली इंडोर वाला ही चाहिए। यहाँ पे लिखा है फोन मत यूज करो, स्मोक मत करो, और पता नहीं आग मत लगाओ, पता नहीं क्या है ये टावर। ये लैंड क्रूजर जिसकी बजा के रखी है बैंड, इन लोग ने पता नहीं, टोयोटा को भी नहीं पता होगा, ऐसे ऐसे वर्जन है इसके जो इन लोग ने बना के रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लंच वंच तो नहीं मिलता, इसलिए सब लोग आइसक्रीम ही खा रहे हैं। आई एम नॉट किडिंग, इवन गगन हु इज लैक्टोज इंटॉलरेंट इज ईटिंग अ मिल्क आइसक्रीम। जिप्सी इज हियर, नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक। हमें जाना लगभग 1400 किलोमीटर केप टाउन। 2 बज चुके हैं, कल गगन की फ्लाइट 6 बजे है, एंड हम 1400 किलोमीटर चलाने के लिए हमें 14 घंटे चाहिए लगभग। हाउ विल यू मेक इट, आई हैव नो आइडिया। मैं तो गगन को बोल रहा हूँ, तुम अपने टिकट जरा पोस्टपोन कर लो, कल पॉसिबल ब्रो, नॉट पॉसिबल। अपन स्काई डाइविंग करेंगे, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन टिकट पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि इसने टीवीएस से जो बिजनेस क्लास टिकट लेके बैठा हुआ है। मेरे को जाना पड़ेगा। पूमा का नाम तो सुना होगा, जो जूते बनाते हैं, उन लोग ने फ्यूल पंप खोल के रखा है अफ्रीका में, बताओ। डूड तो ठीक है, महिंद्रा ने कुछ तो अच्छा किया, डोंट वरी। पूरी प्रोग्रेस की बैंड बज जाती है, बिकॉज यहाँ पे रोड वर्क चल रहे हैं, तो